और अब फटाफट खबरें। न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, आतंकवाद से अपनी और सहयोगियों की रक्षा करना जारी रखेंगे, लेकिन किसी भी समस्या के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल होगा आखिरी उपाय। कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन के भेदभाव पर भारत ने जताया एतराज। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, वैक्सीन को ब्रिटेन में मान्यता न देने का निर्णय भेदभावपूर्ण, भारतीय नागरिकों को नीति करती है प्रभावित। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी जताई कड़ी प्रतिक्रिया। ऑकस ग्रुप बनने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहली बार पीएम मोदी से बात की। अफगानिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ही सबमरीन डील पर भी बात। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर भारतीय वायुसेना ने किया एयर शो का रिहर्सल। बादलों को चीरते हुए गुजरे लड़ाकू विमान। 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर सूर्य किरण एयर शो का हो रहा आयोजन। यूके में फिर सक्रिय हुआ आतंकी। पिछले 15 दिनों में बने कई नए कैंप। उरी में दिखी बड़ी हलचल। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका, तालिबान के हाथ लगे हथियार लश्कर और जैश को दिए जा रहे हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रही है आईएसआई। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में हुआ बड़ा हादसा। नाग देवता मंदिर से ऊपर शिवगढ़ के जंगल में इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 2 पायलट की मौत। देश में कई जगहों पर भारी बारिश बनी मुसीबत। मुरैना में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। पोरसा चौराहे के पास बिजली गिरने की लाइव तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।